पट्टा देने के नाम पर गरीबों से 5 से 8 हजार की मांग की जा रही है। इसकी खबर मिलने के बाद गरीबों में हड़कंप मच गया है। घास भूमि में वर्षों से काबिज लोगों को पट्टा देने के नाम पर राज्य शासन गरीबों से वसूली कर रहा है। 10 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से घास भूमि पर निवासरत लोगों को 30 साल के लिए पट्टा देने के एवज में नगर पालिका के माध्यम से पत्र जारी करके इस राशि की मांग की जा रही है। राशि गरीबों को 8 सालों में जमा करनी होगी। राशि जमा नहीं करने पर बेदखल करने की चेतावनी भी दी गई है। तहसीलदार सर के है वे लागा था एवं भेजे है वे नोटिस तहसीलदार सर मैंने 8 हजार पटाना करके और कच्चा मकान को तोड़ा जाएगा इसर इसमें लिखा है। कब से रह रहे हो आप? 40 साल हो गए सर। एक जो कमाने वाला नहीं है, मोर गोड़ अपंगा है, मोर आदमी मंदवा है। मैं सीधा बताता हूँ, कहीं भी बुला ही सरकार में चल दो, चाहे मार दे चाहे रखे, समय एक तो खोली में उसने देवो हर साल 30-10 साल तो हम मर नहीं गए। देखो पात्र पात्र थे 214 लोग, जिसमें से पात्र और अपात्र लोग थे। तो जिसमें जो जितने पात्र थे उनको हम लोगों ने नोटिस डिमांड लेटर भेजा था, तो उनको मतलब पैसा जमा करना पड़ेगा, वो 30 साल के लिए पट्टा मिलेगा। पहली बात तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, अभी मेरे को मेरे वार्ड के लोगों ने आके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक नोटिस आई है करके, लेकिन मेरे को जानकारी है तो पता चला ये नगर पालिका का मामला नहीं है, राजस्व का मामला है। जो शासन का अभी नया नियम आया है, जिसको अगर घास जमीन है जिसको पट्टा देना है उसको 10 रुपए फीट से हर साल का पैसा जमा करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ज्ञापन दिया गया है। और बात हरदा की